अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जुम्मा पढ़ के भी फारग हुआ हूँ, तो कल माइन की बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि भाई के साथ आया हूँ गिफ्ट लेने माइन के लिए। तो मैंने तो गिफ्ट लिया हुआ है, भाई ने अभी तक नहीं लिया, तो भाई और मैं अभी जा रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी साथ लेके चलता हूँ, तो हम उधर जा रहे हैं, तो आपको भी मैं लेके चलता हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट व्लॉग देखी है जो H&M वाली कपड़ों वाली दुकान वाली, उसमें मैंने आपको ये सारी दुकान भी इसमें डाली हुई है। तो अगर आपने ये दुकान देखनी तो मेरी जो लास्ट वीडियो है H&M वाली, तो प्लीज़ वहाँ से देख लें। तो अभी हम कब से यहाँ पे घूम रहे हैं पर कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही। ओ गेम ऐसा भी सही है, माइंस से सही है, ये एज 4 प्लस लिखी है ना वैसे भी। तो माशाल्लाह मैंने भी 4 साल की होने वाली है, तो ये गेम भी एज 4 प्लस की है, तो अभी तक ये पसंद आई है। इसका नाम ये रहा स्ट्राइक एयर हॉकी। तो ये दो, ये रेड वाले दो हैं और ये दो टू वर्सेस टू प्लेयर की गेम है। तो बीच में एक गार्ड होगी तो आपने मारना है, और जो पहले इसके अंदर पीछे आपके पीछे ये दीवार सी है, ये इसके अंदर चली गई तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। इजी गेम है, बड़ी अच्छी भी है, मज़े की है। एक ये भी गिफ्ट पसंद आया है, तो अभी एक गिफ्ट तो डिसाइड हो गया, अभी दूसरा गिफ्ट डिसाइड करना है, एक ये वाला या फिर ये नीचे वाला, कौन सा लें अभी ये डिसाइड हो रहा है इधर। तो इसके तकरीबन 36 एसेसरीज और वाटर लाइट साउंड तकरीबन सारा कुछ ही है। इसमें डिवाइस है 43 एसेसरीज एंड स्टीम वाटर म्यूजिक लाइट साउंड, आई थिंक ये बेटर है, ये एलिगेशन बेटर है। तो अब ये दूसरा गिफ्ट भी डिसाइड हो गया है, ये ले रहे हैं। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम सिर्फ माइन के लिए गिफ्ट लेंगे बर्थडे के लिए, पर फिर हमने सोचा कि ज्यादती है, तो फिर हमने मिनाहल के लिए भी गिफ्ट लिया है। तो इंशाल्लाह बाद में, अभी हमने गिफ्ट रैप करा लिए हैं, तो इंशाल्लाह आपको कल दिखाऊंगा। तो गिफ्ट वगैरह तो ले लिए हैं, तो अभी हम वापस से लें घर। तो ये MTR का टिकट लेना है, तो अभी हम पोलम तो हमें जाना चंगवाल हो। $5 तो अभी कार्ड ले लिया, तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ। ट्रेन भी आ गई है, सही टाइम पे पहुंच आए हैं। तो ये पोलम जो है वो आखिरी स्टेशन है, तो इसलिए भी यहाँ पे सारे बंदे उतर गए हैं। तो अभी ये तकरीबन 2-3 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। तो अभी हम MTR में आ गए हैं, तो ये पीछे मेरे जो है ना ये डोर है, तो अभी ड्राइवर यहाँ से निकल के अगली तरफ गया है ना, दूसरी साइड जाएगी। ये काफ़ी लंबी है, MTR भी बहुत लंबी है, तकरीबन 200-400 मीटर है। तो अभी ये शुरू हो गई है,
ये भी मोस्टली टनल के अंदर अंदर से जाएगी ऐसे ही। तो अभी हम पोलम थे, पोलम से भी ये हैंग हाउस जाएगी, तो हैंग हाउस से आगे चेंगवानो में, तो हमें चेंगवानो में उतरना है। दो स्टेशन तकरीबन 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो मैं इधर खड़ा हूँ, तो भाई की तबीयत सही नहीं है, तो अपने वो बैठे हुए हैं। और वो दो जो सीटें हैं ये प्रायोरिटी सीट हैं। तभी हम पहुंच आए हैंग हाउ उस तरफ, हम इधर से इंटर हुए थे और अभी हैंग हाउ इस तरफ से खुलेगा। और अभी हम पहुंचे हैं हैंग हाउ, तो अभी हम पहुंच आए हैं चेंगवानो, ये चाइनीज में लिखा हुआ है चेंगवानो। यहाँ से भी एस्केलेटर लेके ऊपर जाना है। तो अभी हम निकल आए हैं MTR से, तो अभी यहाँ से मैं वैसे ही भूल गया था, क्योंकि जब हम इंटर होते हैं ना MTR में, अगर हम कार्ड बाय करें ना तो इंटर होते हैं तब ऊपर मार सकते हैं ना, फिर अंदर जा सकते हैं। और जब एग्जिट करना हो ना, तो जैसे भी मैंने दिखाया उधर कि मैं जो मशीन है ना उसके अंदर डालना पड़ता है, फिर वो कार्ड अपने पास रख लेते हैं, कार्ड हम लेके नहीं जा सकते बाहर। तो मैं पहले भूल गया था, फिर सडनली याद आई कि कार्ड डालना है, क्योंकि मैं मोस्टली यूज़ ही करता हूँ ऑक्टोपस कार्ड, तो इसलिए फिर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था। तो अभी हम MTR से निकल आए हैं, तो MTR तकरीबन 5 मिनट की वॉक है यहाँ से, और ये कि सिग्नल अभी खुले हुए हैं, सिग्नल का वेट करना पड़ेगा।
अभी शाम के 4 का टाइम हो रहा है, तो शाम को तकरीबन 5-6 बजे मेहमान आ रहे हैं। तो फिर अभी मैंने और भाई ने सोचा कि हम भाई से कुछ ले आते हैं खाने के लिए, सबके लिए। तो अभी मैं भाई का वेट कर रहा हूँ, भाई गया है बाइक लेने के लिए। मेरे पास लाइसेंस नहीं है पर भाई के पास है, तो अभी वो बाइक लेने गए हैं तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। तो भाई अभी आ गए हैं, तो आज हम गए थे एबिनीजर, तो यहाँ से मिलता है इंडियन खाना वगैरह। तो हमने यहाँ से लिया है आज को चिकन टिक्का कबाब और चिकन टिक्का विद चिप्स। तो हमारा टोटल बिल बना था 946। टोटल हमने दोनों के 11 सेट लिए हैं, तो इसलिए 946 बिल बना है। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी बनता है 22,000 तक। तो खाना ले लिया और ये रोल। तो खाना छोड़ने के बाद मैं वापस अभी नीचे आया था थोड़ी देर पहले, तो भाभी की भी बर्थडे साथ ही है माइन के। तो भाई ने फिर सोचा था कि भाभी के लिए भी गिफ्ट लेना है, तो अभी हम उसके लिए गए हुए थे, तो गिफ्ट भी ले लिया है। तो इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ कल को दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या लिया है माहिन के लिए और भाभी के लिए। तो आज का ब्लॉग इतना ही था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।